आज की इस वीडियो में हम जलमंडल से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पृथ्वी पर मौजूद जल से घिरा हुआ जितना भी भाग है उस भाग को हम जलमंडल बोलते हैं और ये पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग है, या कह सकते हैं कि 71% भाग जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी पर मौजूद सभी महासागरों की बात करें तो इनकी औसत गहराई लगभग 3800 मीटर है। हमारी पृथ्वी पर मौजूद सभी महासागरों में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो बहुत गहरे हैं, जिन्हें हम गर्त या ट्रेंच बोलते हैं, जिनमें से टोंगा, मिडनाओ, मैरियाना जो गर्त हैं वो सभी प्रशांत महासागर में स्थित हैं, और इन सभी गर्तों में मैरियाना गर्त सबसे गहरा है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर में प्यूरिटोरिको और रोम से गर्त विश्व विख्यात हैं। इसके अलावा हिंद महासागर में सुंडा गर्त भी सबसे गहरे गर्तों में से एक है। विश्व में सबसे अधिक नमकीन पानी वाली झील यानी लवणता वाली झील वान झील है, जो तुर्की में स्थित है। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को गाय ओर्ट कहते हैं। मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के पास स्थित है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। इसके अलावा परवाल भित्तियाँ प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता हैं, और प्रशांत महासागर में 2000 से ज़्यादा द्वीप स्थित हैं। कई बार परीक्षाओं में अटलांटिक महासागर की आकृति के बारे में पूछा जाता है। अटलांटिक महासागर की आकृति जो है वो अंग्रेजी के एस के आकार की है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, जहां इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से जाना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, जो लक्षद्वीप है और मालद्वीप है, ये दोनों द्वीप परवाल द्वीप हैं। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। विश्व में कनाडा ही सबसे बड़ी तट सीमा वाला देश है। इसके अलावा कनाडा सबसे बड़े जल क्षेत्र वाला देश भी है।